अब मैं इसे एक मूर्ख प्राणी का बयान मानता हूँ। ये संविधान बहुत विद्वान लोगों ने बनाया है और वो बाबा अंबेडकर उसी धरती पे पैदा हुए, इंदौर ज़िले की मऊ में, जहाँ बैठ के कैलाश बाबू बयान दे रहे हैं उसी ज़िले में बैठ के। इन विद्वान लोगों ने इतना मजबूत संविधान हमारे देश को बना के दिया। आर्टिकल 30 स्पष्ट उल्लेख है उसमें कि भारत में रहने वाला हर नागरिक, हर समाज, उसे अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन ये दुष्ट लोग जब 24 विधानसभा के चुनाव आ गए तो फिर हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते। कैलाश बाबू ने कहा कि मुसलमानों को वंचित कर देना चाहिए आर्टिकल 30 से, ये देश को फिर एक बार बांटने का घिनौना षड्यंत्र को मानता। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है चिकित्सा सुविधा के उपकरण खरीदने में। आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, उनका नाम एक बड़े घोटाले में आ गया इसी चिकित्सा उपकरण के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में आपने खुद कहा कि कई नर्स, मेल नर्स, डॉक्टर इन नकली पीपी किट उनको दी जा रही है, गश खा के गिर रहे हैं। तो ये बड़ा घोटाला, मतलब भाजपा के जहाँ जहाँ राज्य सरकार है, मैं कहता हूँ कि कोरोना के संक्रमण काल में तो अपनी संवेदनाएं जीवित कर लो उन लोगों को जो कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ के हॉस्पिटलों में पड़े, कम से कम उनके साथ तो अपनी सद्भावना जागृत कर लो। ये मीडिया ने भी कल परसों उठाया था कि एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कोरोना के संदर्भ में राज्य सरकारें कर रही है। और आज सिद्ध हो गया कि हिमाचल प्रदेश का मुखिया भाजपा का, उसे इस्तीफा देना। मेरा कहना ये है शिवराज सिंह से और भाजपा से, 15 साल तुम्हारी सरकार रही भैया, उसके पहले 10 साल हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, इन 15 सालों में तो एक दाग भी उनके दामन पे नहीं लगा। आप 15 साल आपकी सरकार थी, आपने जांच कराई होगी, एक दामन पे दाग नहीं लगा। अब जब लगा कि कांग्रेस की सरकार 1.25 साल की रही, उसने ये ट्रेंडिंग घोटाले की जांच करा ली, उसने सीएस घोटाले की जांच करा ली, पेंशन घोटाले की जांच करा ली, व्यापम घोटाले का जिन्न फिर लाके खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस को डराने के लिए थी भाजपा ये बोलती कि हम जांच कराएंगे, तो 3 महीने बाद सरकार फिर कांग्रेस की आ रही है, पता चलेगा इन घोटालों में कई भाजपा के नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे।